अभी मैं दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे हूँ और देखिए एक जंग बिहारी मजदूर जो है अपने घर जाने के लिए लड़ रहे हैं। और सिर्फ तमिलनाडु का ये दृश्य नहीं है, ये दृश्य जो है हर साल छठ दीपावली होली के समय में बिहारियों को झेलना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। देखिए ये जनरल बोगी है, इसमें मैक्सिमम जो है यहाँ तो 50 सीट दिखाई दे रहा है, 80 सीट होता है, 90 सीट होता है बैठने के लिए, लेकिन कम से कम 300 से 400 लोग जो है भर भर के जाते हैं। देखिए वहाँ पे एक महिला है, उनके आगे पीछे लोग हैं और कहीं भी जो है जगह नहीं रहता है, मतलब आलू प्याज की बोरी के जैसे जो है लोग भर जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जनरल बोगी में, और ये स्थिति जो है जनरल के साथ साथ स्लीपर में भी होता है। जो ये भैया प्रणाम मुझे कह रहा है वही बिहार जाएंगे तो जाति के नाम पे वोट देंगे, और इसलिए जो है हम लोगों को कष्ट हो रहा है। सारा कुछ होने के बावजूद हम लोग जो है आज परेशान क्यों हैं? देश के अनेकों कोने में जो है फेस्टिवल मनाया जाता है, वहाँ पे इस प्रकार की परेशानी क्यों नहीं होती है? और देखिए ये जनरल बोगी है, जनरल ये देख सकते हैं जहाँ तक नजर जाएगा ट्रेन में जितने लोगों की बैठने की कैपेसिटी होती है उससे 10 गुना लोग हैं, और ये तो जनरल है। अब मैं आप लोगों को स्लीपर की स्थिति दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से जब धक्का दिया जाएगा तब अंदर घुसेंगे लोग, और इसमें से बहुत सारे लोगों का ट्रेन छूट जाता है। देखिए ये बोल रही है महिला कि हमको बैठा दे, जब ये सवाल मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए, बिहार के विधायक से, सांसद से, वहाँ पे नहीं पूछते हैं लोग, ये लोग, और ये लोग हमसे कहेंगे। आगे चलिए मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये कंडीशन देखिए, इसमें खड़ा होने का जगह तक नहीं है, खड़ा होने का जगह तक नहीं है, देख सकते हैं। ये देखिए कैसा कंडीशन है, आप देखिए अंदर इधर आइए, यहाँ पे कहीं भी खड़ा होने का जगह नहीं है। देखिए यहाँ पे महिला कैसे खड़ी है, देख सकते हैं, कहीं भी खड़ा होने का जगह नहीं है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन है, ये देश की राजधानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, और बिहार के नेताओं देखो कि क्या समस्या होता है, हमेशा जो है ये समस्या का सामना करना पड़ता है। जब घर पहुंचेंगे तो ये मुस्कुराएंगे, चाहे कितना भी कष्ट काहे ना हो जाए, और घर पहुंच के जो है जाति के नाम पे वोट देते हैं हम लोग। जिस दिन जाति के नाम पे वोट देना बंद कर देंगे शायद हमारे यहाँ के लोगों के भी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब आते हैं स्लीपर, ये है स्लीपर, इसमें जो है 72 सीट होता है, लेकिन 72 सीट के जगह पे जो है कम से कम 272 लोग बैठे हुए हैं। ये देख सकते हैं जिस सेक्शन में है 8 लोगों का बैठना होता है, उस सेक्शन में 8 के जगह पे 18 20 लोग बैठे हुए हैं। ये स्लीपर है, और स्लीपर में भी सीट से 10 गुना ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। जहाँ भी नज़र जाएगा वहाँ पे मतलब कि एकदम जो है एक जंग लड़ते हैं बिहार के लोग, और हर महीना हर दिन हर हफ्ता इन लोगों को लड़ना पड़ता है। देश की राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली का कंडीशन देखिए, ये युवा है, और जब ये लोग बिहार जाते हैं तो जाति के नाम पे वोट देते हैं, इसीलिए इन लोगों को समस्या होता है। ये ट्रेन जो है रक्सौल जाने वाली है, और रक्सौल जो है वो चंपारण में एक जगह पड़ता है, और देखिए जगह देखिए कैसा कंडीशन है, अंदर मतलब कि टॉयलेट में लोग बैठे हुए हैं, लेटरिंग जो है उसमें भी लोग जो है घुसे हुए थे, अभी तो निकल गई है, लेकिन उसमें भी बैठ के जो है, और ये स्लीपर है, स्लीपर है। स्लीपर का कंडीशन देखिए जनरल से भी खराब हो चुका है। कहे नहीं सीखते हैं ये लोग, दूसरे राज्यों में मार खाते हैं, दूसरे जगहों पे मार खाते हैं, कब तक मार खाते रहेंगे बिहार के लोग, क्यों नहीं समझते हैं? और ये ऐसा नहीं है, बुद्धिजीवी लोगों को भी प्रॉब्लम होता है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों को भी प्रॉब्लम होता है, मजदूरों को तो प्रॉब्लम होता ही होता है। तो थोड़ा सा समझा जाए और इस दृश्य को बदलने का प्रयास किया जाए। स्लीपर तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही, ये स्लीपर का कंडीशन आप लोग देखें ही, और इतना कंडीशन खराब होता है, ये पुलिस वाले को मजबूरी में जो है धक्के मार के अंदर डालना पड़ता है। अगर ये लोग नहीं डालेंगे तो आधा पैसेंजर तो छूट जाएगा, और बहुत सारे लोग जो है समझते हैं कि पुलिस वाले गलत है। पुलिस वाले गलत नहीं होते हैं, वो तो मदद करते हैं, ये सच्चाई है, लेकिन वो मदद कैसे होता है, ऐसे डाल के, ऐसे धक्का डाल के जो है अंदर डालना पड़ता है मजबूरी में। और देखिए ये कंडीशन, ये जो ट्रेन जा रहा है इसमें जितनी कैपेसिटी है उससे 10 गुना लोग इसमें बैठ चुके हैं अभी, उसके बावजूद जो है बहुत सारे लोग जो है बैठने का प्रयास कर रहे हैं, और ये ट्रेन खुलने वाली है। देखिए और बाद में क्या होता है, यहाँ पे गमछा बांधा जाता है यहाँ पे, और गमछा बांध दिया जाता है दोनों साइड, और लोग जो है जंग लड़ते हुए बिहार जाते हैं। अभी मैं तमिलनाडु से आया हूँ कुछ घंटे पहले ही, और डायरेक्ट मैंने सोचा कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन, जहाँ से बिहार का ज़्यादातर ट्रेन इसी स्टेशन से खुलता है, और ऐसा नहीं है, अभी लिच्छवी एक नंबर प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ है जो मुजफ्फरपुर जाएगा, और उसमें भी जो है ऐसे ही समस्या होता है लोगों को। बस ये लोग जो मेरा सेल्फी ले रहा है, इन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जब बिहार जाए तो सरकार के आंखों में आंखें डाल के सवाल कीजिए, वरना जो है आपके बच्चे भी जो है आलू का
गाजर की भर भर के घर जाएंगे। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से आप लोगों ने देखा कि बिहार के मजदूरों को कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अंदर जो है आलू प्याज के बोरी के जैसे भर के ये लोग घर जाते हैं, और दिल्ली में सबसे ज्यादा बिहार से आने वाला ट्रेन जो है इसी रेलवे स्टेशन पे आता है। बस समस्या क्या है कि एक समय ज्ञान की भूमि जो है बिहार, विकसित राज्य जो है बिहार, आईएएस आईपीएस वाला राज्य जो है बिहार, डॉक्टर इंजीनियर वाला राज्य बिहार, आज जो है मजदूरों वाला राज बिहार क्यों बन गया? क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम लोग जाति के नाम पे वोट देना शुरू कर दिए। काबिलियत हो या ना हो, नेता को जाति के नाम पे चुन देते हैं और वो अपना झोली भरते हैं, बिहारियों को भूल जाते हैं। वर्तमान समय में बिहार में सभी नेता जो है होली मिलन समारोह कार्यक्रम में व्यस्त हैं, लेकिन अगर ये ट्रेन जो है 4-5 घंटा भी लेट हो जाएगा आज, तो शायद जो है होली के समय में ये सभी जो भी लोग जा रहे हैं, वीआईपी लोग भी एयर कंडीशन बोगी में बैठे होंगे, मजदूर जो है जनरल बोगी में बैठे होंगे, और कुछ फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग जो हैं वो जो है स्लीपर क्लास में बैठे होंगे। लेकिन ट्रेन लेट हो जाएगा तो इनका होली जो है वो नहीं मन पाएगा। ट्रेन लेट हो जाता है तो दीपावली नहीं मन पाता है। ट्रेन लेट हो जाता है तो छठ नहीं मन पाता है। हर होली, दीपावली और छठ के समय में इनको जो है याद आता है कि बहुत कष्ट हो रहा है बाहर, तमिलनाडु में क्या हो रहा है वो आप सभी को पता है, और भी राज्यों में बिहारी मजदूरों को कैसे मारा जाता है, भगाया जाता है, आप सभी को पता है। लेकिन जब ये घर जाते हैं तो सारे कष्ट को भूल जाते हैं, और यही कारण है कि हर बार जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कर्नाटक और महाराष्ट्र का सीमा विवाद हुआ था बाला साहब ठाकरे के रीजन में, कर्नाटक ने उससे सीख लिया और बेंगलुरु जैसा आईटी शहर बसा दिया। तमिलनाडु का भी विवाद हुआ था बहुत पहले, तमिलनाडु ने सीख लिया और तमिलनाडु में जो है आज हजारों बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां तो लाखों है। बिहार में तो ना छोटी कंपनी है ना बड़ी कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ बालू है, और बालू में भी जबरदस्त जो है भ्रष्टाचार है। तो बिहार के लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं कि आइए इस बार बिहार और बदलिए बिहार को, और प्रयास कीजिए बिहार के लिए कि बिहार में कुछ अच्छा हो, और बिहार में आपके बच्चों को जो है ना रोजगार मिले। वरना अगर आपके बच्चों को बिहार में रोजगार नहीं मिलेगा तो जिस तरीके से आप लोग जो है ट्रेनों में आलू प्याज की बोरी के जैसे भर भर के घर जा रहे हैं, उम्मीद कीजिए कि भविष्य में आपके बच्चे के साथ भी यही होगा। बस विनती है आप सभी से, बाकी बिहार को बदलने का प्रयास जो है बिहार के सभी लोगों को करना होगा। एक आदमी के हाथ से, एक आदमी के प्रयास से पूरा बिहार नहीं बदलने वाला है। अगर चाहते हैं कि ये दृश्य बदले तो आप लोग भी प्रयास कीजिए। आप लोग अगर प्रयास नहीं करेंगे तो ये दृश्य नहीं बदलने वाला है। बाकी दिल्ली का आनंद विहार रेलवे स्टेशन से हमारा ये प्रयास और बिहारियों का ये संघर्ष आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और हो सके तो इस दृश्य को बदलने का प्रयास करना। जय हिंद। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो, आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों बतला दे फाइनली कि आज का वीडियो जो मनीष कश्यप जी गए हैं तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में जो व्यक्ति हम लोग को बिहारियों जो व्यक्ति वहाँ काम करने गए थे तो उसको पकड़ के काट रहा है, पूछ रहा है हिंदी बोल रहा है या मरा रहे हैं तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में बात कर रहा है उसको छोड़ दे रहा है, और जो हिंदी में बात कर रहा है उसको पीट भी रहा है, काट भी रहा है और बहुत जख्म पुगा रहा है बिहारियों को। तो दोस्तों आप लोग को बतला दूं कि मनीष कश्यप वहाँ गए थे, तो अभी तो होली का सीजन चल रहा है, तो होली के सीजन में क्या हुआ है कि तमिलनाडु स्टेशन पे एक वीडियो बनाए हैं मनीष कश्यप जी, उस वीडियो को आप लोग देखे हुए इस हमारे वीडियो से पहले उस वीडियो को भी देखे होंगे, तो वीडियो बताइए कैसा लगा आप लोग को, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और देखिए कि बिहारियों को कितना कष्ट हो रहा है ट्रेन से आने में। ट्रेन में एकदम भीड़ भड़ाका सब लग जा रहा है, और प्लस आने में इतना तकलीफ हो रही है कि मत कहिए। तो देख सकते हैं हमारा हालत कैसा है, देखिए दोस्तों, तो ये देख सकते हैं, ये हाथ मेरा देखिए जो पूरा डैमेज हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग इस छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों बता दे फाइनली कि वहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है आने में, और ट्रेन में आदमी के ऊपर चढ़ के आ रहे हैं लोग, बहुत प्रॉब्लम है दोस्तों, बहुत ज्यादा। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए कि और लोग के पास कुछ सहयोग मिले।
तो लव यू ऑल माई यूट्यूब फैमिली, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यही हाथ जोड़ के विनती है आपसे, लव यू ऑल माई यूट्यूब फैमिली।